जहां एक तरफ भारत और सिंगापुर दक्षिण चीन सागर में समुद्री सैन्य अभ्यास कर रिश्तों को नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं, वह इन बढ़ती नजदीकियों से चीन चिढ़ गया है। चीन भारत और सिंगापुर के सैन्य अभ्यास से इतना बौखला उठा है कि उसने दोनों देशों को नसीहत तक दे डाली। चीन ने इंडिया सिंगापुर साउथ चाइना सी ड्रिल्स पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे दूसरे देशों के हितों को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन प्रमुखता से अपना दावा ठोकता आया है, इसलिए उसने भारत और सिंगापुर को हिदायत दी है। हालांकि जब भारतीय मीडिया ने चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चिनयांग से सवाल किया, तब उन्होंने कहा कि अगर ऐसे अभ्यास और सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में फायदेमंद है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम देशों के बीच सामान्य आदान प्रदानों के लिए बहुत खुला रवैया रखते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जब कोई देश ऐसे आदान प्रदान और सहयोग करते हैं तो हम सिर्फ आशा करते हैं कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनकी गतिविधियों से अन्य देशों के हितों को चोट ना पहुंचे और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के 4 युद्धपोत और लंबी दूरी तक मार करने वाली पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास का मकसद दोनों नौसेनाओं के बीच अभियान बढ़ाना है। इस अभ्यास के दौरान समुद्र में विभिन्न अभियानगत गतिविधियों की योजना बनाई गई है। भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास को लेकर चीन ने दोनों देशों को नसीहत दी है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि उनका मकसद दोनों देशों के बीच रिश्तों को बढ़ाना है, इससे दूसरे देशों के हितों को चोट नहीं पहुंचेगी। देखते रहिए डीबी लाइव।